ओके तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो उस टॉपिक का इस जो आपकी बुक में नाम है, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो आप लोग हेडिंग डालो यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके, यूनिट एंड मेजरमेंट, टॉपिक का नाम डालो यूनिट एंड मेजरमेंट। टॉपिक का नाम डाल दो यूनिट एंड मेजरमेंट। देखिए, तो यूनिट एंड मेजरमेंट में हमें सबसे पहले जानना है कि यहाँ की क्वांटिटी क्या होती है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ है कि हम क्वांटिटी को एक्सप्रेस कैसे करेंगे। बच्चों लिखो पहला क्वेश्चन, डिफाइन क्वांटिटी। तो पहला क्वेश्चन लिखिए बच्चों, डिफाइन क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी। डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी लिखिए, एनीथिंग एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चों पहला क्या है कंसेप्ट फिजिकल क्वांटिटी के बारे में? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप मेज़र कर सकते हो उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल, आप किसको किसको मेज़र कर सकते हो? जैसे आपने डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर पहले क्या बोलता है? आप अपना वेट मेज़र करो, तो अपना वेट बताते हो। तो वेट क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी। स्कूल में आप लोग अपनी मेज़रमेंट करते हो लेंथ की, तो लेंथ भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। आप घड़ी में देखते हो टाइम कितना है, तो टाइम भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो ऐसी चीज़ें जिनको आप मेज़र कर सकते हो, ये चीज़ें लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, ये जितनी चीज़ें आप मेज़र कर सकते हो, ओके, इनको फिजिक्स में कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी। ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं। बट कुछ क्वांटिटीज़ हैं जिनको आप मेज़र नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें हैं, क्वांटिटी उनको कहना गलत होगा, तो कुछ चीज़ें हैं फिजिक्स में जिनको आप मेज़र नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल, टेस्ट। टेस्ट ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि दो चाय बनी है तो ये चाय 1 किलो टेस्टी है और तुम्हारी वाली चाय 2 किलो टेस्टी है। तो टेस्ट को आप कंपेयर तो कर सकते हो बट मेज़र नहीं कर सकते हो, और कंपेयर का भी कोई पैमाना नहीं है। किसी को कोई टेस्ट अच्छा लगता है, किसी को कोई टेस्ट अच्छा लगता है। हो सकता है कि आपको जो टेस्ट अच्छा ना लगता हो वही मुझे बहुत अच्छा लगता हो। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड टेस्ट। ओके, स्मेल। स्मेल तो ये भी एक क्वांटिटी नहीं है। ओके, तो ये क्वांटिटी नहीं है बिकॉज इनको मेज़र करने का कोई स्केल नहीं बना है। ओके, इनको मेज़र नहीं किया जा सकता, कांट बी मेज़र्ड। सो गाइज, दीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। दोज क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड और कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू एड हियर, दैट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, वेरियस फिजिकल डेफिनेशंस, वेरियस फिजिकल इक्वेशन एंड लॉज आर डिफाइंड। सो लिखो, नोट करके, नोट करके लिखो, लिखो को वेरियस फिजिकल लॉज एंड इक्वेशंस आर एक्सप्रेस्ड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब बच्चों, जो वेरियस फिजिकल लॉज हैं और जो फिजिकल इक्वेशन है उनको आप फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में ही लिख पाओगे, उनको बता पाओगे, फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में ही आप उनको एक्सप्रेस कर पाओगे, अदरवाइज आप उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल,
मैं आपके सामने एक इक्वेशन देता हूँ, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये देखिए v क्या है, ये आपने पढ़ा है क्लास नाइन्थ में, सो दिस इज अ फिजिकल इक्वेशन। अगला s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी एक फिजिकल इक्वेशन है। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ये भी एक फिजिकल इक्वेशन है। f इक्वल टू एम ए, ये भी एक फिजिकल इक्वेशन है। बच्चों ये सारे इक्वेशन आप क्लास नाइन्थ में पढ़ के आए हैं, और आपने क्या पढ़ा है, एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये भी एक फिजिकल इक्वेशन है। ये सारे फिजिकल इक्वेशन है, और इन फिजिकल इक्वेशन में जितनी क्वांटिटीज़ आपको दिख रही हैं, वी दिख रही है, यू दिख रही है, ए फॉर एक्सेलेरेशन दिख रही है, टी फॉर टाइम दिख रही है, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट दिख रही है, एफ फॉर फोर्स दिख रही है, एम फॉर मास दिख रही है, जी फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट दिख रही है, एम वन फॉर मास है, एम टू फॉर मास है, ये जितनी भी क्वांटिटीज़ आपको दिख रही ना, ये सभी की सभी क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ है। सो फिजिकल क्वांटिटीज़ और दोज क्वांटिटीज़, ओके, इन टर्म ऑफ दैट वी कैन राइट वेरियस फिजिकल रिलेशंस, वेरियस फिजिकल इक्वेशन, एंड ऑल दो वी कैन मेज़र दम, हम उनको मेज़र कर सकते हैं बच्चों। तो ये हमारी जो है फिजिकल क्वांटिटी है। एक बात बोलो, समझ में आ गया कि नहीं आया? हेलो, बोलो क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके ऐश्वर्या, इज इट क्लियर टू यू? यस सर। हाँ तो बच्चों पहला क्वेश्चन लिखो, डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी। लिख लिया आप लोगों ने ना, डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी, ये वाला जो रिलेशन है ये लिख लीजिएगा, और ये इसका आंसर है जो मैंने बताया, ठीक है? तो ये नोट लिख लो, नोट, वेरियस फिजिकल लॉज एंड इक्वेशंस आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आंचल परी रिप्लाई करो, समझ में आया? यस सर। ओके, सो वेरियस फिजिकल लॉज एंड इक्वेशंस, आंचल तुम्हारी आवाज नहीं आई बेटा, वेरियस फिजिकल लॉज एंड इक्वेशंस आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये हो गई पहली बात। अब आगे की बात करते हैं बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बच्चों लिखो अगला, लिखो क्वेश्चन, लिखो लिखो क्वेश्चन नंबर टू बनाइए, लिखो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी और हाउ कैन वी एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो हम एक फिजिकल क्वांटिटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? अक्षत बताओ बेटा, फार्मूला बताओ फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का, आप तो पढ़ चुके हो, क्या होता है फार्मूला, बोलो जल्दी से। अक्षत बोलो जल्दी से। सर nu। हाँ पूरा बोलो बेटा, q इक्वल्स टू nu। nu तो अक्षत बोला q इक्वल्स टू nu का फार्मूला बोल दिया, तो बता दो अक्षत q का मतलब क्या है? q मतलब है फिजिकल क्वांटिटी, n मतलब है मैग्नीट्यूड, और u का मतलब है यूनिट। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। तो ये अक्षत ने जो बताया ये बिल्कुल q इक्वल टू nu यही फार्मूला है। ओके अब इसका मीनिंग समझो। फॉर एग्जांपल आंचल जो है जाती है डॉक्टर के पास कि डॉक्टर मेरा वेट लगातार कम हो रहा है ना, तो आप मेरा वेट चेक कर दो आज, इसके बाद आप 10 दिन बाद मुझे मेरा वेट चेक करना और फिर मेरे को ट्रीटमेंट करना। तो आंचल ने वेट कराया, तो आंचल ने जो वेट कराया, तो आंचल का जो वेट है, एक्चुअली मैं उसको नाम लेता हूँ एम। ओके तो वो कितना आता है, आंचल का वेट आया मान लो 40। ओके 40, अब 40 क्या होगा बताओ, 40 सेंटीमीटर तो होगा नहीं, 40 किलोग्राम होगा, जाहिर सी बात है ना। तो आप देखिए यहाँ पर उस आंचल के वेट को, एक्चुअली वो वेट नहीं है बच्चों, वो मास है, जो आप 40 किलोग्राम में लिख रहे हो ना वो मास है, क्योंकि वेट को कभी किलोग्राम में मेज़र ही नहीं किया जाता, वेट को कभी भी किलोग्राम में मेज़र किया ही नहीं जाता है। वेट को किस में किया जाता है मेज़र? न्यूटन में। तो अगर आपको अपना वेट ही बताना था तो वेट बताने का अलग तरीका रहेगा, तो अगर आप वेट निकालोगे ना तो समथिंग 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 न्यूटन आपका आंसर आएगा, और वो समथिंग न्यूटन क्या होगा मैं आपको थोड़ी देर बाद बता दूंगा। वो समथिंग न्यूटन एक्चुअली फार्मूले से आता है, फिजिक्स के एक फार्मूले से आता है। तो एक्चुअली आप वेट नहीं मेज़र करके आए हो, अगर आप 40 किलोग्राम में कहते हो ना
तो आप क्या मेज़र करके आए हो? मास मेज़र करके आए हो। आप बाजार से शक्कर लेकर के आते हो, है ना? तो शक्कर लेकर के आते हो तो किस में नापते हो? किलोग्राम में नापते हो। तो आप उसका मास बता रहे हो किलोग्राम। ओके, भले बोलते हो वेट, बट अगर आप किलोग्राम में बोल रहे हो तो मास बता दे, बिकॉज मास को किलोग्राम में मेज़र किया जाता है। तो खैर छोड़ो इस बात को, हम आते हैं। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें बच्चों, एक है 40 और एक है किलोग्राम। तो ये जो 40 है ये इस क्वांटिटी का न्यूमेरिकल पार्ट है। न्यूमेरिकल मतलब मैथमेटिकल नंबर है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, और किलोग्राम का मतलब ये इसकी यूनिट है। यस, किलोग्राम क्या है? यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होता है? बोलोगे सर ये यूनिट क्या होती है? यूनिट का मतलब होता है स्टैंडर्ड। यूनिट का मतलब क्या होता है? एक स्टैंडर्ड, जिसके रिस्पेक्ट में आप किसी चीज़ को मेज़र करते हो उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड या यूनिट। ओके, तो यूनिट का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड, या जिसके रिस्पेक्ट में आप मेज़रमेंट करते हो उसको आप यूनिट या स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो एक क्वांटिटी में दो पार्ट होते हैं, ये लिखा है क्यू इक्वल्स टू एन यू। सो किसी भी क्वांटिटी में बच्चों दो पार्ट होंगे, एक होगा एन और एक होगा यू। एन क्या होगा बेटा? एन कहलाएगा बेटा इसका मैग्नीट्यूड, और यू कहलाएगी इसकी यूनिट। एन कहलाएगा इसका मैग्नीट्यूड और यू कहलाएगा इसका यूनिट। चलिए भाई ये देखते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ बातें, कि क्यू इक्वल्स टू एन यू तो हो गया। अब एक चीज़ और देखो बच्चों, तो हमने आपको क्या सिखाया? देखिए हमने आपको सिखाया अभी क्यू इक्वल्स टू एन यू, एन यू। अब देखिए एक ही क्वांटिटी को, कोई क्वांटिटी है उसको आप दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, यानी एन वन यू वन और एन टू यू टू। सर ये क्या लिख दिया आपने, हमें समझ में नहीं आया। एन वन यू वन एन टू यू टू। चलो एक क्वांटिटी ले लो बच्चों 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को क्या मैं 1000 मीटर नहीं लिख सकता हूँ? बेशक लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना था पहले में? 1 था। यूनिट क्या थी? किलोमीटर। दूसरे में मैग्नीट्यूड हो गया 1000, यूनिट क्या हो गई? मीटर। क्या मैं इसको 1 लाख सेंटीमीटर नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 1 लाख सेंटीमीटर भी मैं लिख सकता हूँ इसको। ओके, यस, ये देख लीजिए 1 लाख सेंटीमीटर है ये, 1 2 3, ठीक है ना? 5 0 मतलब 1 लाख सेंटीमीटर है। बच्चों क्या फीलिंग आ रही है? देखो यहाँ पे ये है एन वन, ये है यू वन, ये है एन टू, ये है यू टू, और ये है एन थ्री, और ये है यू थ्री। मतलब एन वन यू वन एन टू यू टू एन थ्री यू थ्री, मतलब एक यूनिट को, एक फंडामेंटल, एक किस फिजिकल क्वांटिटी को आप कई तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जितना बड़ा आपका मैग्नीट्यूड हो रहा है, यूनिट आपकी उतनी छोटी हो रही है। देखो यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड बड़ा होता जा रहा है। आप देखो ध्यान से, एन वन कितना था? एन वन था 1, एन टू कितना हो गया? 1000, एन थ्री कितना हो गया? 1 लाख। ये देखिए अब यू वन की बात कीजिए, पहली यूनिट क्या है? किलोमीटर। यू टू क्या है? मीटर। और यू थ्री क्या है? सेंटीमीटर। देख रहे हो क्या हो रहा है? यूनिट लगातार छोटी हो रही है और मैग्नीट्यूड लगातार बड़ा हो रहा है। ये देखो ये नीचे जाने पर लगातार बढ़ रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, और ये नीचे जाने पर लगातार क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जी हाँ, मतलब क्या हुआ कि अगर आप मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो यूनिट क्या हो जाएगी? छोटी। मतलब एक चीज़ बड़ी होगी तो एक चीज़ क्या होगी? छोटी होगी। तो एन और यू, ओके, में कैसा रिलेशन होगा? इनवर्स रिलेशन। समझ गए ना? इनवर्स रिलेशन, एन और यू में इनवर्स रिलेशन होगा। किस कैसे कहेंगे इस बात को? देखो आपने क्या देखा बच्चों, एन वन यू वन इक्वल टू एन टू यू टू, देखा आपने? तो एन वन अपॉन एन टू इक्वल टू यू टू अपॉन यू वन। नोट कर लो, नोट कर लो इसको, एन वन अपॉन एन टू इक्वल टू यू वन अपॉन यू टू, यानी एन वन अपॉन एन टू इक्वल टू यू टू अपॉन यू वन। ओके, ये रिलेशनशिप होती है, इसको हम क्या बोलेंगे? देखो एन वन ऊपर है, यू वन नीचे है, बच्चों इस चीज़ को बोलते हैं फिजिक्स में इनवर्स रिलेशनशिप। ये इसको बोलते हैं एन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू,
इसको बोलते हैं हम लोग इनवर्स रिलेशनशिप, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर यूनिट बढ़ेगी तो मैग्नीट्यूड छोटा होगा, अगर यूनिट बढ़ेगी तो मैग्नीट्यूड छोटा होगा, ये कहलाती है हमारी इनवर्स रिलेशनशिप। बोलो अच्छे से क्लियर हो गया सभी को? यस सर। ठीक है, कोई बात अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। फिजिक्स एक बार में समझ में नहीं आनी चाहिए, फिजिक्स एक बार में समझ में आ रही है मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तो कोई चीज़ दिक्कत करे तो आप उसको पूछिएगा, ये डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है, इतने आराम से समझ में नहीं आता है। तो n इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, मतलब जितना बड़ा मैग्नीट्यूड होगा यूनिट उतनी छोटी होगी, और जितना छोटा मैग्नीट्यूड होगा यूनिट उतनी बड़ी होगी। चलिए, तो ये हो गया हमारा पहला सेगमेंट। पहले सेगमेंट पे हमने क्या पढ़ा? पहले सेगमेंट पे हमने पढ़ा कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किस फॉर्म में दी जाती है, क्यू इक्वल टू एन यू, और हमने पढ़ा एन वन यू वन इक्वल टू एन टू यू टू, जिससे हमें क्या समझ में आया? हमें समझ में आया एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। ये मेन तीन चीज़ें हमने अभी तक कवर कर ली। चलिए आइए बात करते हैं अब। देखिए क्या लिखा है, अ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड बाई ए न्यूमेरिक वैल्यू इन एन एंड यूनिट यू। ठीक है ना, अभी जो मैंने पढ़ाया तो आप भी लिख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर टू चल रहा है, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी। सो अ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड बाई ए न्यूमेरिक वैल्यू एन एंड अ यूनिट यू। न्यूमेरिक वैल्यू एन, न्यूमेरिक वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट, मतलब एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। जितना बड़ी यूनिट होगी एन उतना छोटा होगा, और जितनी छोटी यूनिट होगी एन उतना बड़ा होगा। इसका मतलब एन इंटू यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मीन्स एन वन यू वन इक्वल्स टू एन टू यू टू। यस, यहाँ पर मैंने लिखा है आपको, यहाँ मैंने बताया, देखिए क्यू इक्वल्स टू एन यू और एन वन यू वन इक्वल्स टू एन टू यू टू, इसका मतलब एन इंटू यू क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है। एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, बच्चों लिख लो क्यू इक्वल्स टू एन यू, ये हमेशा कॉन्स्टेंट होता है। कॉन्स्टेंट कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि अगर आप चाहे आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस चल लो, या आप 1000 मीटर डिस्टेंस चल लो, या आप 1 लाख सेंटीमीटर डिस्टेंस चल लो, क्वांटिटी वाइज तीनों इक्वल हैं। ये देख लो इक्वल है मतलब तीनों क्या है? कॉन्स्टेंट है, बदल नहीं रहे हैं। तो तीनों क्यू इक्वल टू एन यू कॉन्स्टेंट है, बट फर्क किस में आ रहा है? जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है उसकी यूनिट छोटी है, तो मैग्नीट्यूड बड़ा होता जाएगा और यूनिट छोटी होती जाएगी। तो इस बात को बोलते हैं n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। यस, ये देख लीजिए एग्जांपल के लिए n1 u1 इक्वल टू n2 u2, आपके पास 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर को आप क्या लिख सकते हैं? यू कैन राइट 10 किलोमीटर इक्वल टू 10,000 मीटर। ओके, 10,000 मीटर, ये एग्जांपल लिख लेना है बच्चों, लिखो कॉपी में, 10 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर। 10,000 मीटर में 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बन जाएगा? 10 लाख सेंटीमीटर, 10 लाख सेंटीमीटर। ओके, एंड 10 लाख सेंटीमीटर में 10 का और मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? 1 करोड़ मिलीमीटर। सो 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 10,000 मीटर इक्वल टू 10 लाख सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 करोड़ मिलीमीटर। तो क्वांटिटी वाइज तीनों सेम है, बस फर्क किस में आ रहा है? एक का मैग्नीट्यूड बड़ा है तो यूनिट छोटी है, और जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है उसकी यूनिट बड़ी है। एनी प्रॉब्लम? बोलो 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 बोलो, जल्दी बताओ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। क्यों भाई ऐश्वर्या? नो सर। नो सर। समझ में आ गया? यस सर। चलिए, तो ये जो कंसेप्ट था, ये पहला कंसेप्ट था बच्चों, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी फिजिकल क्वांटिटी को लेकर के पहला कंसेप्ट था ये जो मैंने आपको करा दिया। ओके, अब बच्चों लिखिए टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, डिफाइन द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के टाइप बताइए।
फिजिकल क्वांटिटी के टाइप बताइए। तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटी को दो क्लास में बांटा गया है, दो तरीके के क्लास में बांटा गया है। वन इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एंड सेकेंड इज कॉल्ड व्हाट, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। यार फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, एग्जांपल से समझो। मैं आपसे बोलूँगा कि जो गणेश भगवान है उनके मम्मी डैडी का नाम बताओ आप, गणेश भगवान के डैडी का तो आप बता दोगे शिव जी हैं, ओके। बट मैं आपसे बोलूँगा शिव जी के भगवान का नाम बताओगे तो आप नहीं बता पाओगे, बिकॉज शिव जी का कोई फादर नहीं है, कोई मदर नहीं है, वो किसी से बने नहीं हैं, वो सेल्फ डिफाइंड है। सेल्फ डिफाइंड मतलब ही इज़ अल्टीमेट पावर, सेल्फ डिफाइंड, वो किसी से बने नहीं हैं, ओके। सो वो सेल्फ डिफाइंड नहीं है। सो बच्चों ऐसी क्वांटिटीज़ जो सेल्फ डिफाइंड है, जो किसी की मदद, जो किसी सपोर्ट से नहीं बनी है, दैट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। और ऐसी क्वांटिटी, अब ये क्वांटिटी में भगवान का नाम मत लिखाना, गणेश जी, पार्वती जी, शिव जी, ओके, ये समझाने के लिए है ना। सेल्फ डिफाइंड का मतलब ऐसी क्वांटिटीज़, एग्जांपल के लिए मास। आज तक आपने मास का कोई फार्मूला नहीं सुना होगा कि मास का कोई फार्मूला है। एग्जांपल के लिए लेंथ, लेंथ का कोई फार्मूला नहीं सुना होगा आपने, ठीक ना। तो मास, लेंथ, टाइम, ये जो कुछ क्वांटिटीज़ हैं जो खुद में डिफाइन है, जो किसी की वजह से बनती नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। और कुछ क्वांटिटी जो किसी का सपोर्ट लेके बनती, फॉर एग्जांपल एरिया। तो एरिया किससे किससे बनता है, लेंथ इनटू ब्रेथ से, मतलब उसमें लेंथ भी यूज़ हुई है, ब्रेथ भी यूज़ हुई है। तो ऐसी क्वांटिटी जो दूसरे की मदद से डिराइव्ड हुई है, उन क्वांटिटी को हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। समझ में आ गया। तो दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटी है, वन इज़ कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ओके, एंड सेकेंड इज़ कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर टोटली डिफाइंड ऑन देयर ओन सेल्फ, दे डू नॉट रिक्वायर एनी अनदर क्वांटिटी टू define them, but on the other side derived quantities are derived, derived quantities are derived with the help of fundamental quantity, fundamental quantity का use करके derived quantity बनी है, तो ये कहलाती हैं fundamental and derived quantity। let's take a look on the notes। fundamental physical quantity, those physical quantity in terms of which another physical quantities can be expressed, एक्सप्रेस आर कॉल्ड फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिनकी मदद लेकर के दूसरों को एक्सप्रेस किया जा सके, दिखाया जा सके, समझाया जा सके, उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटीज जिनकी मदद लेके दूसरों को हम एक्सप्रेस करें, एग्जांपल गणेश जी के लिए, गणेश जी को बनाने के लिए शिव जी की मदद देनी पड़ी थी ना, या कोई भी दूसरे देवता, ओके, जिनके मम्मी डैडी एग्जिस्ट करते हैं, या हम इंसान जो हम लोग मम्मी डैडी एग्जिस्ट करते हैं, कुछ इस टाइप की फीलिंग लेकर के इस चीज़ को समझो। ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हम एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की मदद लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड, वो होती हैं डिराइव्ड, ठीक ना। और जिन क्वांटिटीज़ की हम मदद लेते हैं वो क्या होती हैं, फंडामेंटल। तो यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ी सी मिक्स हो गई है, मैंने जो डेफिनेशन बताई वो थोड़ी अलग बताई है। मैंने क्या बताई, मैंने ये बताया आपको कि ऐसी क्वांटिटीज़ जो सेल्फ डिफाइंड होती हैं, तो वो भी सही है, मगर ये सेल्फ डिफाइंड क्या करती हैं, ये सेल्फ डिफाइंड दूसरे को तो बनाती हैं, तो वही तो लिखा है यहाँ हेडिंग में, दोस फिजिकल क्वांटिटीज़ इन टर्म ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड, जिनकी मदद से दूसरों को एक्सप्रेस किया जाता है, आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बिल्कुल, हम दूसरों को तो एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, कर सकते हैं बेशक। एग्जांपल के लिए यदि मैं आपको बताऊं दूसरों को एक्सप्रेस करना, एग्जांपल के लिए यही एरिया, एरिया, ओके, एरिया को बनाने के लिए क्या क्या लगता है, एरिया को बनाने के लिए लगता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ भी क्या है, एक लेंथ मेजरमेंट है, मीटर है, लेंथ मीटर में नापते हैं, तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। ब्रेथ भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। दोनों को मिला करके क्या बनता है, एरिया। सो वॉट, कैसी क्वांटिटी अपने पास, ये एरिया हो गई डिराइव्ड क्वांटिटी, और ये क्या हो गई, फंडामेंटल, ये भी क्या हो गई, फंडामेंटल।
ओके तो ऐसी क्वांटिटी जिनकी मदद से हम डिराइव्ड क्वांटिटी को बनाते हैं, ऐसी क्वांटिटी कहलाती है हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब आगे की बात करते हैं, फंडामेंटल यूनिट क्या होती है। फंडामेंटल यूनिट भाई मास क्या है, मास है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि मास तो बाकी को बना सकते हैं बट मास को कोई बना नहीं सकता है। तो हर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड होता है, एक रेफरेंस होता है, ओके जिसमें हम उसको मेजर करते हैं, तो वो कहलाती है उसकी यूनिट। तो मास की यूनिट क्या है बच्चों, किलोग्राम। मैं बोलूँगा टाइम की यूनिट क्या है, तो टाइम की यूनिट क्या है सेकेंड, ओके लेंथ की यूनिट क्या है मीटर, तो लेंथ की यूनिट है मीटर। चलिए क्वेश्चन बनाइए बच्चों, क्वेश्चन लिखिए, डिफाइन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। आंचल पढ़ो, डिफाइन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन करो। डिफाइन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आंचल, चलो ऐश्वर्या तुम पढ़ो। दोज फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जैक्टली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स, बताइए। यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। बिल्कुल सही, फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट होती है उनको हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, यही जो मैंने आपको लिखाई थोड़ी सी अभी अभी इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट को हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। बच्चों क्वेश्चन लिखिए, डिफाइन फंडामेंटल यूनिट। ये सभी क्वेश्चन आपको मेरे को करके भेजना है ग्रुप में, ये सभी क्वेश्चन करके भेजेंगे तभी आपका होमवर्क पूरा माना जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखिए, ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा आप लोग अपने अपने मोबाइल की। लिखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट आर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, व्हाट आर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके सो आई जस्ट सेड गाइस द क्वांटिटीज व्हिच आर प्रिपेयर्ड, व्हिच आर मेड अप, ओके व्हिच आर मेड अप विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से डेवलप की जाती हैं, ओके अगर आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का यूज़ करके, उनको यूज़ करके अगर आप क्वांटिटीज को डेवलप करते हो, दोज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज़ कैसे होता है, इन अ फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। यस लुक हियर, जैसे आपने यहाँ पर बनाया एरिया, सो व्हाट इज एरिया, एरिया इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, और इन द एरिया लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई है जो कि दोनों फंडामेंटल है, सो दिस इज डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके और ये दोनों क्या थी, लेंथ और ब्रेथ फंडामेंटल थी। एक और एग्जांपल देता हूँ, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। गाइस यू हर्ड अबाउट स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड डिस्टेंस इज द फॉर्म ऑफ लेंथ, लेंथ अपॉन टाइम। देखो ध्यान से, लेंथ भी क्या है फंडामेंटल है, टाइम भी क्या है फंडामेंटल है, और दो फंडामेंटल का डिवीजन करके या मल्टीप्लीकेशन करके हमने जो क्वांटिटी बनाई दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। तो बच्चों अगला क्वेश्चन लिखो, डिफाइन डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है बताइए, व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है बताओ। पढ़ो अक्षत। अक्षत यस सर, पढ़िए। डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जैक्टली, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ऑल कॉल्ड डिराइव क्वांटिटीज, अब ये कह सकते हो, और दोज विच आर मेड अप ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ऑल कॉल्ड डिराइव क्वांटिटीज। बच्चों नोट करो, हाफ मिनट का टाइम है आपके पास। युवराज, युवराज, ओके सो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्लेन इन द टर्म्स ऑफ
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और विच कैन मेड अप ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज. एग्जांपल लिख लो बच्चों, डिस्टेंस, सॉरी स्पीड, नॉट डिस्टेंस, स्पीड. ओके, सो व्हाट इज स्पीड? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. चलिए बच्चों देखिए, अब हमारे पास जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की, इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखाना मैं भूल गया बच्चों. लिखिए डिराइव्ड यूनिट, डिफाइन डिराइव्ड यूनिट. डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट क्या होती है बताइए. कौन बताएगा डिराइव्ड यूनिट, जल्दी से बता दो, बहुत ही सिंपल है. डिराइव्ड यूनिट क्या होती है बता दो. डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट, द यूनिट ऑफ द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. लिखिए बच्चों, the unit of derived physical quantities are called derived unit. जैसे आप क्या बताया आपको, स्पीड. स्पीड इक्वल टू मैंने क्या पढ़ा है बच्चों, फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस को किस में मेजर किया जाता है बच्चों, मीटर में. को किस में किया जाता है, सेकंड में. तो ये जो नई यूनिट बनकर के आई ना, मीटर पर सेकंड, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिराइव्ड यूनिट. सो इट्स द एग्जांपल ऑफ डिराइव्ड यूनिट बिकॉज ये दो फंडामेंटल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से बनी है. तो फंडामेंटल क्वांटिटी जब भी मिलकर के कुछ यूनिट को बनाएंगी तो दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट. सो मीटर पर सेकंड बच्चों, एग्जांपल में लिख लो मीटर पर सेकंड. वन मोर एग्जांपल, एरिया. सो एरिया को कैसे नापते हम लोग, देखो हाउ. एरिया, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ. बेटा लेंथ भी किस में नापी जाएगी, मीटर में, और ब्रेथ भी किस में नापी जाएगी, मीटर में. सो मीटर इंटू मीटर कितना हो गया बच्चों, मीटर स्क्वायर. यस, तो ये भी अपने डिराइव्ड है. ओके, ऐसी बहुत सी क्वांटिटी डिराइव्ड है. अभी मैं आपको इसके नोट्स दे दूंगा तो आप लोग उसको करिएगा. डन. बन गया, आगे चले. यस सर. चलो, सो दिस इज डिराइव्ड यूनिट. चलिए अब देखिए बच्चों, अब आप जैसे एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि सर ये यूनिट जो हम कैसे जानेंगे, जैसे सर लेंथ है, लेंथ है, लेंथ को सर कुछ लोग मीटर में नापते हैं, कुछ लोग फुट में नापते हैं, कुछ लोग यार्ड में नापते हैं. अलग अलग कंट्री में अलग अलग सिस्टम है सर. कुछ लोग लेंथ को मीटर में नापते हैं, कुछ फुट में नापते हैं, कुछ यार्ड में नापते हैं, कुछ लोग इंच में नापते हैं. तो बच्चों देखिए, पहले क्या है, अलग अलग कंट्रीज़ अलग अलग सिस्टम को फॉलो करती थी. बाद में जो 1960 में एक सिस्टम आया जिसने सारे सिस्टम को मिला करके कहा कि देखो अब तक तुम लोगों ने बहुत अपनी मनमानी कर ली, अब हमारा सिस्टम चलेगा. सारी कंट्रीज़ ने उसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कर दिया और उसको बोला गया बच्चों SI सिस्टम. ओके, SI सिस्टम. तो SI सिस्टम ने कहा कि मैं तुम लोग को जो 7 फंडामेंटल यूनिट दे रहा हूँ, कितनी, 7. तो SI सिस्टम ने मैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी दी और उसके साथ में यूनिट बनाई, मतलब टोटल 7 क्वांटिटी दी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, जिसमें 7 क्वांटिटी में पहली क्वांटिटी थी मास, और कहा मास को आज के बाद पूरे वर्ल्ड में किलोग्राम से नापा जाएगा. फिर उन्होंने कहा लेंथ, तो लेंथ को पूरे वर्ल्ड में मीटर में नापा जाएगा. ऐसे उन्होंने कहा टाइम, फंडामेंटल क्वांटिटी, उसको किस में नापा जाएगा, सेकंड में. तो ऐसे ही 7 फंडामेंटल क्वांटिटी दी SI ने. SI क्या बच्चों, फिजिक्स की एक बहुत बड़ी यूनियन है, एक बहुत बड़ी कंपनी टाइप है ना, जिसका पूरा नाम है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स, जो पूरे फिजिक्स के बारे में कंट्रोल रखती है, है ना. तो फिजिक्स के बारे में पूरा कंट्रोल रखने वाली. तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बताई और उनकी 7 फंडामेंटल यूनिट बताई. तो जल्दी से लिख लो बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स. चलो नोट करो.
सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स. तो पहला क्या बच्चों, मास. मास को किस में मेजर किया जाएगा? किलोग्राम में. देन लेंथ, लेंथ इज इन मीटर. देन टाइम, टाइम को बोला गया सेकेंड में चलेगा. टेम्परेचर बच्चों, टेम्परेचर को केल्विन में बोला गया. देन करेंट, करेंट विल बी मेजर्ड इन एम्पियर. ल्यूमिनस इंटेंसिटी बच्चों कैंडला में. एंड अमाउंट सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ मैटर, इसको मेजर किया जाएगा किस में? मोल में. डन गाइस. यस सर. सो ये है अपना, दिस इज, ये अपनी सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी है बच्चों. सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ में एसआई ने दो और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी इंट्रोड्यूस की थी, उनका भी नाम लिख लो. लिखो लिखो, इन एडिशन टू दीज सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज, इन एडिशन टू दीज सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज क्वांटिटीज देयर आर टू सप्लीमेंट्री, देयर आर टू सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज, देयर आर टू सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज. शिक्षा समझ में आ रहा तुम्हारे, तुम्हें ये? यस सर. ठीक है, तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है बेटा, तुम्हारा नाम ही शिक्षा है. कितना अच्छा नाम, बड़े दिनों बाद सुनने को मिला. आंचल क्लास में हो? यस सर. अरे वाह आंचल, टेंथ क्लास की याद आ गई, आंचल गोल हो जाती थी. नो सर. इन एडिशन टू दीज सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज देयर आर टू सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज. बच्चों एसआई ने सात जबरदस्त इस्तेमाल होने वाली क्वांटिटीज यूज़ करी, बताई फंडामेंटल. उसके बाद में उसे दो और क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करनी पड़ी, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा यूज़ होती थी कि उसको रहा नहीं गया. फिर उन्होंने दो और ज़्यादा क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करी, जिसमें बच्चों एक है, नाम है एंगल. तो इस एंगल का नाम है प्लेन एंगल. तो आप लोग लिखो प्लेन एंगल. ये एंगल वही है जो हम लोग मेज़र करते आते हैं, एंगल. ओके, सो एंगल. तो इसकी यूनिट यहाँ पे नहीं लिखी हुई बच्चों, इसकी यूनिट लिख लो बगल में. हाँ लिखी है, मेजर्ड इन रेडियंस. ये रेडियस नहीं बेचा, ये रेडियन है. रेडियंस, आर ए डी आई एन एस, ए एन एस, आर ई आर ए डी आई ए एन एस. तो आप लोग जो एंगल को मेज़र करते हो अभी तक किस में करते रहे हो? डिग्री में. बट बच्चों अब जो एंगल मेजरमेंट होगा वो डिग्री में नहीं होगा, वो किस में होगा? रेडियन में होगा. जी हाँ ठीक है, वो जो एंगल मेजरमेंट होगा ना वो रेडियन में होगा. तो अभी तक जो एंगल मेजरमेंट होता था वो डिग्री में था, बट अब जो एंगल मेजरमेंट होगा वो रेडियन में होगा, क्योंकि एसआई सिस्टम ने बोल दिया है हम डिग्री को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम रेडियन को एक्सेप्ट करेंगे. तो बच्चों अब हम लोग की पूरी फिजिक्स और पूरी मैथमेटिक्स जो है वो रेडियन सिस्टम में चलेगी. दूसरा एंगल क्या है बच्चों, दूसरी यूनिट क्या है सप्लीमेंट्री यूनिट? सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को किस में मेजर किया जाता है? स्टेरेडियन में. लिखो एस टी ई आर ए डी आई ए एन एस, स्टेरेडियंस. ओके स्टेरेडियंस. ओके फॉर्मूला लिख लो बच्चों रेडियन का, कैसे निकालते हैं रेडियन एंगल. एंगल आपने शायद पढ़ा होगा ये फॉर्मूला छोटी क्लासेस में, वही फॉर्मूला है. जैसे मान लो बच्चों ये आपके पास कोई सर्किल है, ये आपके पास कोई सर्किल है और ये इस सर्किल का कोई आर्क है, दिस इज द आर्क. तो इस आर्क की लेंथ कितनी है? एल. और ये इसका सेंटर है. तो ये जो निकलेगा बच्चों ये कहलाएगा एंगल. सो एंगल फॉर्मूला कौन सा एंगल है? प्लेन एंगल. सो एंगल इज इक्वल्स टू, एंगल को किससे शो करते हैं बच्चों? थीटा से. ओके थीटा से क्या आएगा? लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस. ये दो. आर की लेंथ कितनी है? एल है. रेडियस कितनी है? आर है. ओके सो दैट इज इक्वल्स टू एंगल थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर. अब आप कहोगे सर लेंथ तो नापेंगे सेंटीमीटर में
और नीचे रेडियस भी है वो भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी कोई यूनिट तो नहीं बनेगी। बेशक बच्चों इसकी कोई यूनिट नहीं बन रही थी, बट ये इतना ज़्यादा यूज़फुल था कि खुद ही एसआई ने इसके लिए यूनिट बना दी जिसका नाम है रेडियन। नोट कर लो, तो एसआई ने इसकी खुद यूनिट बनाई रेडियन, तो एल बाई आर रेडियन। तो रेडियन का सिंबल क्या होता है पता आप लोग को? रेडियन के लिए ऊपर चंदा मामा यानी सी लगाया जाता है। लिख लीजिए इसको, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस। सो आर्क भी सेंटीमीटर में मीटर में जिसमें भी होगा कट हो जाएंगे दोनों। तो वैसे इसकी कोई यूनिट नहीं बन रही थी, मगर अपने दबदबे से एसआई ने इसकी अलग से यूनिट दे दी प्लेन एंगल की, दैट इज कॉल्ड रेडियन। ऐसे एक सॉलिड एंगल भी होता है, वो क्या होता है उसको छोड़ो, आपको नहीं पूछा जाएगा वो क्या होता है, बट वो सॉलिड एंगल कुछ ना कुछ होता है, उसकी यूनिट क्या होती है? उसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। लिख लिया करो, तो डन बोल दिया करो, मैं आगे बढ़ जाऊं। यस सर। चलिए तो ये हो गया जो ना यस लिखे। सर हाँ ठीक है बच्चों, जो ना लिखे मेरे को बता देना, है ना। सो बच्चों देखो, लिखो देखो, लिखा थीटा, थीटा मतलब एंगल, एंगल इन रेडियन, है ना। कैसे लिखा हुआ है? थीटा एंगल इन इज इक्वल्स टू एल बाई आर। ओके एल बाई आर, तो थीटा इन रेडियन इक्वल टू एल का मतलब लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ द सर्किल, है ना। आर्क जितना है उसकी लेंथ और सर्किल। चलिए अब आप कहेंगे सर वो हमें तो सर रेडियन सिखाया ही नहीं गया, हम तो सारे एंगल डिग्री में आते हैं, हमें तो सर डिग्री में ही एंगल लिखना आता है। सर आपने लास्ट ईयर हम लोग को पढ़ाया ना कि राइट एंगल को हम सर 90 डिग्री बोलते हैं, और एकदम से सर आप रेडियन बोलने लग गए तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो बच्चों लिखो, क्या लिखो अगली हेडिंग? लिखो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ओके। रेडियन और डिग्री में रिलेशन। अब बच्चों एक बहुत कॉमन सी बात है, आप लोग सब जानते हो ये बात, ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है। अगर मैं कहूंगा कि एक सर्कल पूरा का पूरा जो सर्किल है अपने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है, तो आप बोलोगे सर जो सबटेंड करता है ना वो होता है सर 360 डिग्री है सर्किल का अपने सेंटर पे। कैसे? सर ये रेडियस पकड़ो यहाँ से और यहाँ से पूरा घूम जाओ, सर ये देखिए 360 डिग्री आ रहा है। वाह बिल्कुल सही, बट ये तो डिग्री में है, मुझे रेडियस में बताओ, सॉरी मुझे रेडियन में बताओ। ओके तो मैं कहूँगा ठीक है भाई, एंगल इज इक्वल टू क्या पढ़ा है सर ने फॉर्मूला? आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपका नॉलेज चेक करूँगा कि अगर ये पूरा का पूरा मैं यहाँ से चल के यहीं तक आ रहा हूँ तो मुझे बता सकते हो ये सर्कुलर आर्क की लेंथ जो बन रही है कितनी होगी? ये आर्क कितने का होगा जो पूरा घूमने में बनाया मैंने? इतना यार, इतना छोटा सा टू सवाल है। पाई यार, 2 पाई आर, बिल्कुल सही यार। टू पाई यार, अगर मैं ऐसे घूमता आधा, तो आधा सर्कल का आर्क कितना होता? पाई आर। पूरे सर्कल का आर्क कितना होगा? 2 पाई आर। तो आर हो गया 2 पाई आर, और रेडियस भी क्या होगी? आर ही तो होगी रेडियस। यस ओके, आर मतलब आर से आर कैंसिल, मतलब एंगल इक्वल्स टू रेडियन में कितना? 2 पाई रेडियन। नोट करो बच्चों, सो 360 डिग्री एंड 2 पाई रेडियन, नोट करिए। थ्री सिक्सटी डिग्री वही एंगल 360 डिग्री है और वही एंगल 2 पाई रेडियन है। वही एंगल 360 डिग्री है और वही एंगल 2 पाई रेडियन है। सेम एंगल 360 डिग्री है, सेम एंगल 2 पाई रेडियन है। सर एक क्वेश्चन है हाँ जी बोलो। सर अब जैसे रेडियन या आगे चलना होता है तो शुरू से ही जब से एंगल पढ़ाना चालू करते तभी से रेडियन में क्यों नहीं पढ़ाते हैं, अरे डिग्री में क्यों चालू करते बच्चे हैं? समझ नहीं पाते ना, रेडियन एक डिफिकल्ट नोटेशन है बेटा, इसलिए रेडियन एक डिफिकल्ट नोटेशन है। अभी हम लोगों ने डिग्री कितनी पढ़ी है? फिक्स डिग्री पढ़ी है, 30, 45, 60। अब रेडियन जाएगा वो एक यस रेडियन सर, से लेके जितने रेडियन आएंगे सब आएंगे उसमें, है
ठीक है ना। डिग्री एक बड़ा मेजरमेंट है बेटा, रेडियन छोटा मेजरमेंट है, ठीक है ना। चलो यस तो सर। एंगल जो है, एंगल आ गया अपने पास 2π रेडियन, 2π रेडियन आ गया। तो अब देखिए यहाँ रिलेशनशिप डेवलप कर रहा हूँ, बड़ी मज़ेदार वाली। देखो क्या फीलिंग आपके अंदर, आपके अंदर ये फीलिंग आ रही है, अच्छा सर जी 360 डिग्री का मतलब होता है 2π रेडियन, मतलब 360 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 2π। तो 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे सर जी, 1 डिग्री में होंगे 2π/360 रेडियन, बिल्कुल। तो 2 से काट दो 360 को, कितना आ गया 180 आ गया नीचे, मतलब 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, 1 डिग्री में होंगे π/180 रेडियन। ओहो, मतलब अब हमें कोई भी डिग्री दिया रहे उसको रेडियन में बदल लेंगे, क्योंकि 1 डिग्री में इतने रेडियन हैं तो हमें पता चल जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि मुझे बताओ 90 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, तो आप बोलोगे सर देखो 1 डिग्री है π/180, तो 90 डिग्री में π/180 में 90 का मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल वैसे ही यूनिट्री मेथड, 1 रुपए में 2 हम आते हैं तो 5 रुपए में 10 आम आएंगे, क्योंकि हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो 90 से कितने बार कट गया, 2 बार, तो आंसर कितना आ गया π/2 रेडियन। बोलूंगा आपसे बच्चों 60 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो डिग्री को रेडियन कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे 60 × π/180, तो कितने बार जाएगा बच्चों 3 बार, तो क्या आ गया π/3 रेडियन, नोट कर लो। अगला मैं आपसे बोलूँगा कि मुझे बताओ 45 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, तो बोलोगे सर 45 डिग्री में वेरी सिंपल 45 × π/180, 45 से 180 कितने बार जाता है बच्चों 4 बार, सो आंसर π/4 रेडियन। ओके आप मुझसे बोलोगे सर 180 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 180 डिग्री में तो पाई हो जाएंगे, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, 180 डिग्री मतलब π/180 × 180, क्योंकि 1 डिग्री में π/180 रेडियन, तो 180 डिग्री में π/180 × 180, आंसर कितने रेडियन आ गया π रेडियन। बोलो क्लियर हुआ डिग्री को रेडियन में बदलना कि नहीं हुआ। यस सर, नोट कर लीजिए बच्चों, डिग्री को रेडियन में इस तरीके से बदलते हैं। लिख लिया बच्चों, सबने कर लिया, बोलो भाई लिख लिया कि नहीं लिखा। यस सर। यस सर। ओके सो पाई रेडियन में कितने डिग्री होते हैं बच्चों, 180 डिग्री, और अभी मैंने बताया आपको कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, π/180 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। चलिए तो होमवर्क लिखिए आप लोग, आज मैं आपको कुछ डिग्री मेजरमेंट दे रहा हूँ और आप लोग को उसको रेडियन में कन्वर्ट करके लाना है। मैं आपको डिग्री मेजरमेंट दे रहा हूँ और आपको उसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, लिखिए कन्वर्ट इनटू रेडियन। क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे कितने का, π/180। हाँ डिग्री दे रहा हूँ, लिखो 15 डिग्री, 30 डिग्री, 5 डिग्री, ओके 9 डिग्री, 12 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, ओके 50 डिग्री, 120 डिग्री, 360 डिग्री, ओके एंड 270 डिग्री। तो बच्चों इतनी डिग्री हैं, इनको सबको आपको रेडियन में कन्वर्ट करके लेके आना है कल। तो कल आप इन डिग्री मेजरमेंट को मुझे रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्ट करके लेके आओगे, ठीक है।
ये नोट्स जो मैंने बनाए हैं ये मैं अभी भेज देता हूँ आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। यस सर। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। इस चैप्टर के नोट्स मैं आपको अभी ग्रुप में डाल रहा हूँ, कुछ बच्चे जो पहले पढ़ चुके हैं वो उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो नए बच्चे पढ़ रहे हैं वो अच्छे से इस चैप्टर की तैयारी करिए। चलिए, थैंक यू बच्चों, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय बच्चों। गुड इवनिंग प्रियांशी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऋषिका। चलो बच्चों निकालो, कल का मैटर थोड़ा सा रिवाइज करो, तब तक मैं आपको ओपन कर रहा हूँ फाइल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ ऋषिका, वेरी गुड, यू हैव कंप्लीटेड 6.1। अब वो फाइल जो ब्लैक वाली निकाली थी ऋषिका, उसको ओपन करो, मैं आपको असिस्ट करता हूँ आपको क्या करना है। गुड इवनिंग लक्ष्मी। गुड इवनिंग सर।